सिडनी जिले के फिरकी पार गांव में एक शराबी युवक 134 केवी क्षमता वाली हाई टेंशन विद्युत लाइन के टॉवर पर चढ़ गया। पूरे 5 घंटे तक शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे। बताया जा रहा है कि टॉवर पर चढ़ा शराबी राकेश इंबाती फिरकी पार गांव का निवासी है, जो कल रात घर पर हुए विवाद के चलते घर से निकला और गांव के पास एक खेत पर लगे हाई टेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ गया, जिसकी जानकारी मिलते ही सिवनी थाना पुलिस और विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने विद्युत लाइन बंद कराकर शराबी को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन शराबी नीचे उतरने की बजाय पुलिस को आता देख और ऊपर चढ़ गया। पूरे 5 घंटे तक यह ड्रामा चलता रहा। इस बीच शराबी को जोर की प्यास लगी तो गांव वालों ने शराबी के बच्चों को उसके घर से बुलाया और बच्चों के जरिए शराबी को पानी पहुंचाया। जैसे ही शराबी पानी पीने के लिए कुछ नीचे उतरा, उसी दौरान ग्रामीणों ने टॉवर पर चढ़कर शराबी को पकड़ा और नीचे उतार लिया, तब कहीं जाकर यह ड्रामा खत्म हुआ। लखन वाला चोरिया जी ने सूचना दी थी कि कोई राकेश निवाती शीला देही आगे हाई टेंशन लाइन पर चढ़ गया है। उसके लिए हम यहाँ आए, तत्काल 108 एम्बुलेंस बुलाई है, MP वालों ने बुलाया, लाइन बंद कराई, गाँव वाले उसके भाई और गाँव वाले सहयोग से उसको उतारा है। अब क्या समस्या से बता रहे हैं, जानकारी मिली है कि उसको शायद कोई बीमारी वारी है, परेशान रहता था। अब आगे उससे बात करेंगे, उसकी समझाएंगे, देखें उसका क्या करता है, उसको समझेगा, अपना परेशानी देखें क्या उसको दूर करेंगे। सिवनी से संजीव खरीदिया की रिपोर्ट।